वो बेसिकली होल मेकिंग पे है, जिसके अंदर हम बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं कवर करने वाले हैं। इसके अंदर ये एक पार्ट मैंने ये बना लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं फ्लोर वॉल करने वाला हूँ, फ्लोर वॉल के थ्रू ये कर सकते हैं आप। फिर होल मेकिंग के थ्रू मैं से होल मेकिंग करूँगा, होल मिलिंग। ये बड़ा डायमीटर का है तो ड्रिल से तो हो नहीं सकता, इसलिए हम होल मिलिंग के थ्रू इसको होल करने वाले हैं। इसके बाद लेते हैं हम थ्रेड मिलिंग, इसके अंदर थ्रेडिंग करेंगे, इंटरनल थ्रेडिंग। फिर है मेरे पास बॉस थ्रेडिंग, ये एक हमने बॉस बना रखा है, इस पर एक्सटर्नल थ्रेडिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ग्रूव मिलिंग, इधर की तरफ से एक ग्रूव करना चाहते हैं वो ग्रूव कट करेंगे। एक स्पॉट ड्रिल, यहाँ पे तीन होल हैं, इसमें हम स्पॉट ड्रिल करेंगे पहले। फिर इसको डीप ड्रिलिंग करेंगे और फिर काउंटर शैंकिंग का ऑपरेशन, ताकि ऊपर से चैम्फरिंग आ जाए। फिर टैपिंग, इसके अंदर टैपिंग कर देंगे। ड्रिलिंग, एक यहाँ पे है हमारे पास, ये अंदर से एक रेडियल कट है ना, तो इस टाइप के कट करने के लिए हम यहाँ से रेडियल ग्रूविंग मिलिंग यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू अंदर की तरफ से कट कर पाएंगे। और एक लास्ट ऑपरेशन फेज के अंदर, बट नॉट द लिस्ट, होल चैम्फर, ये चैम्फरिंग ऊपर लगाने के लिए। तो इतने सारे ऑपरेशन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम यूज़ करेंगे फ्लोर वॉल, ताकि इसको हम फिनिश कर पाएँ। तो यहाँ से आके सबसे पहले MCS इसको सेट करते हैं, इसके सेंटर पे ले लिया। वर्क पीस में जाइए और एक ये हमारा वर्क पीस हो गया, ब्लैंक ये हमारा आ रहा है ब्लैंक, ठीक है, ओके करिए। और फिर हमें चाहिए टूल, टूल डिफाइन करते हैं। तो टूल के लिए यहाँ से सबसे पहले जाइए टूल, और हम प्लानर में कर रहे हैं क्योंकि, तो टूल ले लेते हैं एक मिल 8 का, ओके करिए, 8 का मिलिंग का टूल। और फिर ऑपरेशन में जाएंगे और यहाँ से हम लेते हैं फ्लोर एंड वॉल। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा फ्लोर एंड वॉल है, मिलिंग लेंगे और डायरेक्टली हम फिनिशिंग ही करते हुए चल रहे हैं। यहाँ से जाइए, सेलेक्ट करिए फ्लोर, और फ्लोर को लेने से आपको अब आगे आना है और एक बार इसे प्रीव्यू करके देखिए, इस टाइप से ही आ रहा है, ठीक है। और इसको हम जिग जैग की जगह कर देते हैं, फॉलो पार्ट हो जाएगा। और इसे करते हैं जनरेट, और इसके बाद हम इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं, वेरीफाई ले लीजिए, और थोड़ा सा फास्ट और प्ले। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये आ जाएगा, इसके बाद ओके करिए, तो ये हमारा फास्ट ऑपरेशन हो जाएगा, ओके करते हैं। फिर अब नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, नेक्स्ट ऑपरेशन हम लेने वाले हैं होल मिलिंग। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है होल मिलिंग, होल मिलिंग में जाइए, टूल हम यही 8 का ही यूज़ कर लेते हैं, और फिनिश पास लगाएंगे डायरेक्टली। और यहाँ से स्पेसिफाई करिए फीचर, फीचर है ये वाला हमारा, देखिए 40 का डाया है, D15 है ये, है ना। तो 40 का डायमीटर कैसे करेंगे, इसके लिए हम होल मिलिंग ले लेते हैं। और यहाँ से कट जो है वो हेलिकल में जाना चाहिए, वो है ये, और एक्सेल पिच कितनी होनी चाहिए वो, और नंबर ऑफ पास 1, और फिर वेरीफाई करते हैं, ये आ गया है। और प्ले, ठीक है, ये वाला भी हमारा हो गया, अब इसे करते हैं ओके, और ऑपरेशन को ओके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन लेते हैं, फिर से क्रिएट ऑपरेशन में चलिए और इंटरनल थ्रेडिंग करेंगे हम, थ्रेड मिलिंग। और टूल यहाँ पे है नहीं, तो पहले टूल आप ले लीजिए, या चलिए ओके करते हैं। और यहाँ से टूल में जाते हैं और यहाँ से हम करते हैं क्रिएट टूल, क्रिएट टूल यहाँ से आप ले सकते हैं, टूल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। या सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं यहाँ से टूल में जाता हूँ और यहाँ से पिक करते हैं फ्रॉम लाइब्रेरी, और मेरे को चाहिए, यहाँ से गए और थ्रेड मिलिंग, थ्रेड मिलिंग में ओके। और टूल यहाँ से हम ले लेते हैं 02 वाला, ये 6.2 का डाया, ये टूल हमारा हो गया है। फिर क्रिएट ऑपरेशन में जाएंगे, अब आपको टूल मिल जाएगा, टूल सेलेक्ट करिए, ओके करेंगे।
और यहाँ से सिलेक्ट करिए कौन सा फीचर था आपका, ये वाला। ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये शो भी कर रहा है कि कितना ये से अंदर कट करने वाला थ्रेडिंग को, और यहाँ से वेरीफाई ये आ गया है यहाँ पे हमारे पास, और ओके ठीक है। प्रीव्यू करना चाहेंगे, प्रीव्यू भी हो जाएगा, वेरीफाई जब करेंगे तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगला नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो हम लेते हैं, क्रिएट ऑपरेशन में जाइए, और ये तो इंटरनल था, अब एक्सटर्नल थ्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ से जाइए होल मेकिंग में। होल मेकिंग में जाके ये रहा बॉस थ्रेड मिलिंग, बॉस थ्रेड मिलिंग लीजिए, टूल हमने वही ले लिया, ओके करते हैं और सेलेक्ट करिए फीचर को, फीचर है ये वाला, शो भी हो रहा है आपको, ओके करेंगे और फ्लिंट लाइन सब कुछ पास भी, चलिए ठीक है, और वेरीफाई यहाँ से करिए, वेरीफाई वेरीफाई हो गया ये भी, और ओके करिए जनरेट। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन लेते हैं, क्रिएट ऑपरेशन में जाएंगे, और अब अगला हम यहाँ से लेते हैं ग्रूव के लिए, ये ग्रूव करना है हमें, वापस प्लानर में जाते हैं और यहाँ से ये आपका ग्रूव मिलिंग, ग्रूव मिलिंग लीजिए, और यहाँ पे टूल नहीं है, पहले टूल क्रिएट टूल करिए, और यहाँ से लेते हैं टी कटर, और टी कटर पे हम वैल्यू डाल देते हैं ये 35 का है ना, 35 वाला लेते हैं ये, और 35 यहाँ से इसका डायमीटर हो जाएगा, और फ्लूएंट लेंथ हमने ली 10, फ्लूट लेंथ हो गई, ओके। फिर क्रिएट ऑपरेशन में जाइए, और यहाँ से हमने कटर सेलेक्ट किया, ओके लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करिए ग्रूव ज्योमेट्री, ग्रूव ज्योमेट्री सेलेक्ट करते हैं, हाईलाइट हो गया पूरा, सिलेक्शन हो भी गया है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नंबर ऑफ पास कितनी बारी में काटेगा इसको, थ्री टाइम में से कट करेगा, और इसके बाद इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई होने में ये थोड़ा सा टाइम लगा, ये वेरीफाई होके दोबारा से एक बार क्लिक किया, और वेरीफाई में थोड़ा सा ही टाइम ले रहा है, ये देखिए इसने कट कर दिया, और ठीक लगता है तो ओके कर देते हैं, ओके और ओके। तो यहाँ पे हमारे चार पांच ऑपरेशन हो गए हैं, अगला ऑपरेशन लेते हैं, अगला ऑपरेशन यहाँ पे ड्रिलिंग कर लेते हैं, और ड्रिलिंग के लिए पहले हमें क्रिएट ऑपरेशन में, क्रिएट टूल में जाएंगे, और यहाँ से लेते हैं होल मेकिंग, और होल मेकिंग के अंदर हमने लिया यहाँ से लेते हैं स्पॉट ड्रिल, स्पॉट ड्रिल ये हमने लिया 10 का, ओके 10 ऑलरेडी है ही, ओके। अब क्रिएट ऑपरेशन में जाइए, यहाँ से लेते हैं स्पॉट ड्रिल, और स्पॉट ड्रिल ओके, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए 1 2 और ये 3, तीनों को सिलेक्ट कर लिया, ओके और जनरेट, स्पॉट ड्रिल हो गया है, ओके। फिर आते हैं ड्रिल की बारी, तो टूल में जाएंगे और ड्रिल लेते हैं हम 10 का, ओके करेंगे, और 10 का डाया, ओके। फिर क्रिएट ऑपरेशन, और यहाँ से ड्रिलिंग ले लीजिए, और हमारा है स्टैंडर्ड ड्रिल 10 का, ओके। और फीचर सिलेक्ट करिए, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ओके करेंगे, जनरेट करिए, वेरीफाई करना चाहते हैं तो, और वेरीफाई ये आ गया हमारा, ओके करिए, ओके करिए। फिर आते हैं यहाँ से हम, हमें चाहिए इसके ऊपर का ये काउंटर शेंक, तो टूल में जाएंगे और यहाँ से काउंटर शेंक लेते हैं, और काउंटर शेंक है 20 का, ओके, और 20 का शेंक लिया हमने, ओके। फिर क्रिएट ऑपरेशन में जाइए, और यहाँ से हम लेते हैं काउंटर शेंकिंग, टूल था हमारा काउंटर शेंक का, ओके, और सेलेक्ट करिए एक ये
एक ये और एक ये, और ओके और वेरीफाई। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये भी हो गया, ओके कर देते हैं और ओके कर देते हैं। इसके अंदर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के लिए लेना पड़ेगा हमें फिर से यहाँ से ये क्रिएट ऑपरेशन, और ये है हमारे पास थ्रेड मिल या फिर टैपिंग। यहाँ से टैपिंग लिया और ओके करते हैं, और यहाँ से जाइए टूल, टूल के अंदर क्रिएट न्यू, और हमारे पास यहाँ से टैप, ये रहा टैप लेना है 10 का। ओके 10 का टैप ही है, 10 का डायमीटर का ही है टैपिंग का टूल जो है। और यहाँ से सिलेक्शन करिए, एक ये है टूल और एक ये है ज्योमेट्री, तीन जगह पे हमारे पास ये होल है। ओके करेंगे और फिर जनरेट, ये भी हो गया। प्ले करना चाहते हैं प्ले कर लीजिए, हो जाएगा आपका ये भी। फिर नेक्स्ट इस वाले के लिए हम करना चाहते हैं, ये रेडियल कट है कुछ इसके अंदर, अगर आप चाहते हैं कि बीच में काट के देखा जाए तो यहाँ से जाइए, और यहाँ से हम जाते हैं व्यू में सेक्शन में, और यहाँ से एडिट न्यू सेक्शन, न्यू सेक्शन में जाएंगे, न्यू सेक्शन में प्लेन, ये देखिए ठीक है बिल्कुल सही, ओके करिए तो ये कटिंग सेक्शन आपको शो भी हो रहा है। अब इसके लिए काम कर रहे हैं, मैं क्या करता हूँ सबसे पहले टूल लेता हूँ, और टूल में जाके मैंने लिया एक स्टैंडर्ड ड्रिल, और ड्रिल है ये 20 का, 20 लिया। और ड्रिल की जगह जगह है, हम अगर ले लेते हैं, इसे कैंसिल करता हूँ मैं, क्रिएट टूल में ही मैं एक एंड में ले लेता हूँ 20 का, और 20 ओके। और फिर यहाँ से आते हैं क्रिएट ऑपरेशन, और क्रिएट ऑपरेशन के अंदर मैं गया और होल मेकिंग, और होल मेकिंग में जाके मैंने लिया ये ड्रिलिंग, ड्रिलिंग में जाके टूल लेते हैं 20 का, ओके और क्लिक, और कौन सा वाला, ये वाला ठीक है जी, और थ्रू, और इसे करिए ओके और जनरेट, तो ये हमारा जनरेट हो जाएगा। और यहाँ से वेरीफाई करने चला, वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई और प्ले, इस टाइप से हमारा कट हो जाएगा, ओके करेंगे। ओके करिए, इसके बाद हमें अंदर का ये कट करना है, तो इसके लिए हमें पहले टूल क्रिएट करेंगे, और टूल हमें यहाँ से चाहिए होगा टी कटर, और टी कटर के आगे यहाँ पे हम डाल देते हैं 20 का ले रहे हैं ये, ओके और ये 20 का टी कटर, क्योंकि होल जो है 20 का, तो 20 से बड़ा तो जाएगा नहीं। और फिर नेक का जो डाया है वो हमने 4 कर दिया, और जो ये हमारी लेंथ है ये 12 से ज़्यादा हो नहीं सकती, इसलिए 10 ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो डेप्थ है ये है ही 10, 12 ये है 12, तो ज़्यादा बड़ा चलेगा नहीं। फिर यहाँ से जाएंगे और यहाँ से लेते हैं ये रहा रेडियल ग्रूव मिलिंग, और टूल हमारा 20 का कटर, ओके करेंगे और सेलेक्ट करिए अंदर का ये वाला पोर्शन, और ओके करा, और फिर इसके बाद करेंगे हम जनरेट। इसके बाद जाके करते हैं वेरीफाई, और वेट अ मिनट दोबारा से जनरेट करिए, और फिर जाके वेरीफाई, वेरीफाई में जाके प्ले, देखिए ठीक है, ये बहुत ठीक आ गया है। इस तरीके से ये हम ऑपरेशन कर सकते हैं रेडियल ग्रूव का, रेडियल ग्रूव मिलिंग, तो ये भी हो गया। ऊपर चैम्फरिंग का है एक ऑपरेशन, आप लगाना चाहते हैं चैम्फरिंग का लगा दीजिए, नहीं तो ये ठीक है। और आप सेक्शन हटाना चाहते हैं तो वापस जाएंगे एडिट में, व्यू में, व्यू के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर न्यू सेक्शन वाला जो था ये आपको हटाना है, तो हम जाते हैं सेक्शन को डिलीट कर देते हैं, तो पूरा आ जाएगा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे ऑपरेशन ही हमने किए हैं,
होप आपको ये सारे ऑपरेशन अच्छे लगे होंगे, कुछ आपके लिए नए भी होंगे, यूज़फुल भी होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अनसब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि हम इस टाइप के और भी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।